नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों और कोच ने दिल्ली के मुख्य सचिव संजीव खिरवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव खिरवाल अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए एथलीट्स को स्टेडियम में बाहर निकालने के लिए कहा जाता है, जिससे उनका अभ्यास बाधित हो रहा है। आरोप के मुताबिक संजीव खिरवाल के आने के समय से पहले ही 7 बजे तक स्टेडियम को खाली करवा लिया जाता है। बता दें कि खिलाड़ियों ने कहा है कि इससे पहले वे स्टेडियम में रात 8:30 बजे तक अभ्यास करते थे, लेकिन खिरवाल अपने कुत्ते के साथ टहलने आते हैं, इसके लिए स्टेडियम को खाली करा दिया जाता है जिससे वो टहल सके। वहीं एक कोच ने कहा, पहले हम यहाँ रोशनी में 8 से 8:30 बजे तक खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते थे, लेकिन अब हमें 7 बजे तक स्टेडियम खाली करने को कहा जाता है जिससे अधिकारी अपने कुत्ते को टहला सके। इसकी वजह से हमारा रूटीन और हमारा प्रशिक्षण बाधित हो रहा है। खिलाड़ियों व कोच की तरफ से लगाए गए आरोपों पर IAS अधिकारी संजीव खिरवार ने कहा कि ये सभी आरोप बिल्कुल गलत हैं। इसके साथ ही उन्होंने माना कि वह कभी कभी अपने पालतू जानवर को स्टेडियम में टहलाने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह गलत बात है कि मेरे जाने की वजह से एथलीटों की अभ्यास दिनचर्या बाधित होती है। बता दें कि खिरवार 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट में लिखा कि समाचार पत्रों के जरिए हमें पता चला कि कुछ खेल सुविधाओं को जल्दी बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को देर तक अभ्यास करने में असुविधा हो रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने खिलाड़ियों के सभी खेल सुविधाओं को रात 10 बजे तक खुले रखने का निर्देश दिया है। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।